हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं, हमेशा के ब्लॉग की तरह। तो ये है हमारा कलाम सेंटर और हम लोग जा रहे हैं अभी पोस्टिंग पे। मॉर्निंग का टाइम है, सबसे पहले हमें जाना होता है कलाम सेंटर बायोमेट्रिक के लिए। हम लोग वहाँ जा चुके हैं और वहाँ पे देखिए कलाम सेंटर के आसपास का कुछ सीन ऐसा था, क्योंकि अभी फ़िलहाल है बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में कॉलेज जाने में भी अच्छा लगता है और मौसम फ़िलहाल बहुत ही अच्छा है अभी का। तो अब हम लोग जाते हैं अपने पोस्टिंग प्लेस पे, और पोस्टिंग प्लेस पे क्या हो रहा था कि एक मरीज़ का जो था फीमर नेलिंग होना था, ऑर्थोटी का ये केस है, तो उनको क्या किया जा रहा था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए सबसे पहले पोजीशन इस तरीके से मरीज़ का बनाया जाता है, नहीं मरीज़ को बैठा दिया जाता है, आगे की तरफ पिल्लो देकर झुकाया जाता है और फिर पीठ पे अच्छे से पेंटिंग ड्रैपिंग कर दिया जाता है, सेवलोन स्प्रिट बीटाडीन से क्लीन करके स्टेराइल टॉवल अच्छे से लगा दिया जाता है, स्पाइनल नीडल दिया जाता है और थीन स्पाइनल नीडल का यूज़ किया जाता है ताकि मरीज़ को बाद में हेडेक ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो यहाँ पे देखिए सब एरेक्नोइड स्पेस में स्पाइनल नीडल इंसर्ट करते हैं। सब एरेक्नोइड स्पेस में CSF सिक्रीट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। तो अगर आपका सब एरेक्नोइड स्पेस में अगर निडिल गया है तो उसका साइन क्या है, अगर वहाँ से CSF लीक होता है तो समझिए कि सही जगह पर हमारा निडिल इंसर्ट हुआ है। अगर CSF आ जाता है तो फिर मेडिकेशन दे दीजिए जिसमें फेंटा और एनावीन हैवी दिया जाता है। और स्पाइनल एनेस्थीसिया मेनली क्या होता है, तो वो नीचे के दोनों पैर और कमर वाले रीजन को सुन्न कर देता है। ठीक है, पैर का ऑपरेशन होना है या फिर कोई डिलीवरी होना है, कोई गायनी की सर्जरी होनी है, तो इसमें जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। तो अब हमारा जो था पोस्टिंग ख़त्म हो गया, अब हम लोग आ गए थे अपने घर पे। तो शाम का सीन बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं उतने अच्छे से बना नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इससे काम चला लीजिए। तो ठीक है, यहाँ का सीन बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक पेड़ है जिस पर अच्छे अच्छे फ्लावर्स अभी आए हुए हैं, क्योंकि मौसम अभी बारिश का है, अभी तो हर एक जगह हरियाली रहती है और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। तो ये सीन आई होप आपको अच्छा लगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको अनार, और रात का टाइम था, मुझे काफ़ी भूख लगा था तो मैं चलिए अनार खाने। अनार को अच्छे तरीके से मैंने छील लिया है, काफ़ी मैंने फैला रखा है, तो कोई बात नहीं, सब चलता है मेरे साथ। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बाय, टेक केयर, ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, और कोई कमी लगी हो फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।